बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है विल यू सेट। हमारे साथ नर्सिंग इथिक्स का सेकंड चैप्टर है। इसका पार्ट जो चैप्टर फर्स्ट है वो हमने डिस्कस किया है, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर भी हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर टू। चैप्टर टू में हमारे साथ जो पार्ट फर्स्ट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे यानी ख़त्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय नाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। स्टूडेंट्स, ये सब हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, जो कि हमारे साथ इथिक्स का प्लेलिस्ट है, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जो लेटेस्ट वीडियो आई है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको। क्लेरिफाइंग क्लाइंट वैल्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये जो है ना ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा फर्दर इसको एक्सप्लोर कर ले, ठीक है। तो जो क्लेरिफाइंग क्लाइंट वैल्यू है, थोड़ा वाजह तौर पर इसको फर्दर डिटेल के साथ पढ़े कि क्लेरिफाइंग क्लाइंट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर हमारे साथ एक पेशेंट आता है, ठीक है, हॉस्पिटल में, तो उसको हम ये वैल्यू देते हैं कि उसके पास हम एक लिस्ट रखते हैं किस चीज़ का, प्रोग्नोसिस का, ठीक है, उसके डायग्नोजिंग का, उसके इलाज का, ठीक है, इसके इलाज का सारा एक लिस्ट रखते हैं, ठीक है। फिर उसे कहते हैं कि अगर आप ये जो ट्रीटमेंट है इसको फॉलो करें तो ये आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने मनमानी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको वो सारा लिस्ट जो है ना, मतलब आपने जिस डॉक्टर के साथ जाना है, जिस डॉक्टर से अपने ट्रीटमेंट करना है, तो वो आप पे कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप जिससे चाहना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको वो लिस्ट दे देते हैं, ठीक है। फिर उसको फ्री एनवायरमेंट देते हैं, उसको फ्रीली चूज कर देता है। जब वो चूज़ करे ना तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने अपने चॉइस से डॉक्टर को सेलेक्ट किया, मैंने अपने चॉइस से अपना ट्रीटमेंट सेलेक्ट किया, ठीक है। और फिर उस चॉइस पे क्या करते हैं, उस पे काम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये सारा जो है ना क्लेरिफाइंग क्लाइंट वैल्यू हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बिहेवियर दैट मे इंडिकेट अनक्लियर वैल्यू। अनक्लियर वैल्यू तब आती है जब हमारे पास एक पेशेंट आता है, ठीक है, जो पेशेंट होता है, जो क्लाइंट होता है, वो आता है और उसको हम सारा डिटेल जो है ना वो दे देते हैं, लेकिन पेशेंट जो है ना वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है, वो जो है ना वो हमारी बात में ढालंदाजी कर रहा है, वो जो है ना मतलब हमसे मशवरा ले रहा है, लेकिन वो क्या है, वो हमारे बात को सुन ही नहीं रहा है, ठीक है। वो सोच रहा है कि इससे भी पूछेंगे, दूसरे से पूछेंगे, तीसरे से पूछेंगे, वो हर एक से वही एक क्वेश्चन जो है ना वो बार बार पूछता है और हर किसी से मशवरा लेता है। तो उस दौरान जो है ना पेशेंट जो है ना वो कन्फ्यूज रह जाता है, वो उसको जो डेटा मिल जाती है, उसको जो वैल्यू मिल जाती है, वो अनक्लियर वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि इग्नोरिंग अ हेल्थ प्रोफेशनल एडवाइस, एक डॉक्टर है उसे एडवाइस दे रही है हेल्थ प्रोफेशनल के बेस पे, ठीक है, और वो जो है ना वो उसको इग्नोर कर रही है। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर जो है ना वो उसे बता रहे हैं कि आपने ये ट्रीटमेंट आपने इतने डोज में लेना है, ठीक है, आपने इतना जो है ना ये सुबह लेना है, शाम लेना है, ये मेडिकेशन आपने इस टाइम पर लेना, तो वो जो है ना वो सुन ही नहीं रही है, वो उसके बातों को इग्नोर कर रही है, ठीक है, वो दूसरी चीज़ में बिजी हो जाती है। तो उस दौरान उसकी वैल्यू जो है ना वो अनक्लियर रह जाती है। दूसरा हमारे साथ है कि इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन और बिहेवियर, ठीक है। इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, इनकंसिस्टेंट का यही मतलब है कि वो जो है ना वो हमारे बातों को क्या करते हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन में दखलंदाजी कर रहा है, बार बार हमसे कुछ और क्वेश्चन कर रहा है। जब हम एक चीज़ को क्या करते हैं, उसको जब एक को हम क्लियर करना चाहते हैं एक चीज़ को, तो वो दूसरी चीज़ की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होती है, उसका बिहेवियर जो है ना वो अनकंसिस्टेंट रहता है, तो उस दौरान भी उसकी वैल्यू जो है ना वो अनक्लियर इंडिकेट हो जाती है, ठीक है। तीसरा हमारे साथ है कि न्यूमेरियस एडमिशन टू अ हेल्थ एजेंसी फॉर द सेम प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि एक सेम प्रॉब्लम के साथ वो आई है, ठीक है, और वो हर किसी से न्यूमेरियस एडमिशन यानी वो हर किसी से उसी पॉइंट पे जो वो जिस प्रॉब्लम के साथ वो आई है, सेम प्रॉब्लम के साथ, तो वो हर एजेंसी से, हर जगह से, हर हॉस्पिटल से, कभी इधर जाती है, कभी दूसरे हॉस्पिटल, कभी तीसरे हॉस्पिटल, और हर किसी से पूछती है कि मैं इस प्रॉब्लम के साथ आई हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ, ठीक है। फिर दूसरे डॉक्टर से, फिर तीसरे, कभी भी एक डॉक्टर को फॉलो नहीं करती और बार बार अपना डॉक्टर, अपना ट्रीटमेंट, अपना जो एडमिशन वगैरह है वो चेंज करती है, कभी एक हॉस्पिटल चली जाती, कभी दूसरी, तो यहाँ पे भी उसकी वैल्यू जो है ना वो अनक्लियर रहती है, ठीक है, वो एक ट्रीटमेंट को सही से फॉलो नहीं करती। कन्फ्यूजन आर अनसर्टेनली अबाउट विच कोर्स ऑफ एक्शन
एस्टूट है, क्योंकि बताया गया है कि वो पेशेंट जो है ना, वो क्या होता है जब वो कन्फ्यूज होता है कि किस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, ठीक है। अगर एक दौरान आता है, ऐसा वक्त आता है कि उस दौरान फिर क्या होता है कि पेशेंट जो है ना, वो एकदम से बीमार हो जाता है, तो फिर सारे लोग जो है ना, उसके घर वाले, उसके जो रिलेटिव्स वगैरह है, वो सारे परेशान हो जाते हैं, कन्फ्यूज में रहते हैं कि अब इसको कहाँ ले जाए, अब इसके लिए ट्रीटमेंट कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये दौरान जो है ना, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला होता है, तो वो जब कन्फ्यूज रहता है तो तब भी उसकी वैल्यू जो है ना, वो अनक्लियर रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे साथ है कि एज विल ग्रेटली इन्फ्लुएंस योर वैल्यू। एज जो है ना, उसके साथ साथ आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस हो जाती है। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ जो 1 to 7 ईयर के बच्चे होते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है, वो ज़्यादा वैल्यू जो है ना, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को देते हैं, ठीक है। वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, उसके मशवरे मानते हैं, उसकी बातें मानते हैं, ठीक है। सारी वैल्यू जो है ना, वो पेरेंट्स की तरफ होता है। फिर जब हम एज 8 to 13 देख ले, एज 8 to 13 जो बच्चे होते हैं, तो उस दौरान क्या होती है, उसका जो फोकस होता है, उसका जो वैल्यू होता है, वैल्यूएबल पर्सन होता है, तो वो उसके लिए टीचर्स होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के साथ साथ फिर टीचर्स हो जाते हैं, ठीक है। टीचर होते हैं, हीरोज होते हैं, किस तरह से, यानी आप लोग अगर बच्चों को देख ले, तो वो चाहती है कि मैं एक हीरो बनूंगा, ठीक है। जब वो फिल्म वगैरह देखते हैं, टीवी पे स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, यानी वो स्पाइडरमैन वगैरह देखते हैं, तो वो चाहता है कि मैं स्पाइडरमैन बनूंगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होता है, उसका हीरो जो है ना, उसकी तरफ वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे साथ एज 14 to 20 अगर आ जाए, तो एज 14 to 20 जो है ना, यहाँ पे लोग जो है ना, वो अपने फियर्स के साथ, यानी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, फ्रेंड्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। वो कहते हैं कि वैल्यू जो है ना, वो बिकॉज ऑफ फियर्स है, ठीक है, अपने दोस्तों की वजह से वैल्यू है, ठीक है। अगर दोस्त है तो वैल्यू है, ठीक है। तो ये सब हमारे साथ क्या होती है, 14 to 20 एज के जितनी भी लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स को वैल्यू ज़्यादा देती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे साथ एक एज आता है जिसको 21 एज कहते हैं, ठीक है। और इस दौरान हमारी जो वैल्यू होती है, वो इस्टेब्लिश्ड हो गई होती है, यानी कायम हो गई होती है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, टाइम के साथ साथ उसको टेस्ट करते हैं, और टाइम के साथ साथ अपने वैल्यू जो है ना, उसको क्या करते हैं, चेंज करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ होती है एज के बेस पे वैल्यू की इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं कॉमन मूड्स ऑफ वैल्यू ट्रांसमिशन। स्टूडेंट्स, अगर कॉमन मूड्स ऑफ वैल्यू ट्रांसमिशन को हम देख लें, तो यहाँ पे लिखा गया है कि किस तरह से मदर से, फादर से, टीचर से, मतलब बच्चों में किस तरह से वैल्यू की ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। मूड्स का मतलब है वेज, ठीक है, यानी किस वे के जरिए से बच्चों में जो वैल्यू है वो ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों में जो वैल्यू ट्रांसमिशन होती है, तो वो 5 ways के जरिए से होती है, यहाँ पे लिखे गए हैं। एक है हमारे साथ मॉडलिंग, यानी पेरेंट्स जो है ना, वो एज अ मॉडल बन जाते हैं, ठीक है, अपने बच्चों के लिए वो एक मॉडल रोल जो है ना, वो प्ले करती है। तो उस दौरान जो है ना, मदर फादर को, बच्चे जो है ना, उसको नोट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उस दौरान जो है ना, हमारे साथ क्या हो जाती है, उस ऑब्जर्वेशन से, उस एक्सपेरिमेंट से बच्चे जो है ना, वो सीख लेते हैं, ठीक है, और वो अपने आप में वही वैल्यू ला लेती है, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को फिर वही वैल्यू दे देती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं मोरलाइजिंग। मोरलाइजिंग का क्या मतलब है, मोरलाइजिंग में एक्चुअली ये होता है कि मोरली इथिकली ट्रीट करते हैं हम, किस तरह से, यानी कि हम बच्चों को कहते हैं कि ये गलत है, ये ना करो, ये ठीक है, ये करो, ठीक है। उसको हम बताते हैं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना है, कुछ चीज़ें हम उसे अलाउ करते हैं, कुछ जो है ना, उसको नहीं अलाउ करते, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मोरलाइजिंग। जेंडर थॉट टू कंप्लीट वैल्यू सिस्टम दैट अलाउ लिटल अपॉर्चुनिटी टू वेयर डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। वही बात है कि क्या करते हैं, कुछ चीज़ें जो है ना, वो बच्चों को हम अलाउ करते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, तो आपने ये करना है, ये नहीं करना है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं लेस स्पेरी। लेस स्पेरी का क्या मतलब है, लेस स्पेरी जो है ना, ये हमारे साथ वो एक्सपेरिमेंट था कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम बच्चों को मतलब बच्चों को फ्रीली छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको फ्रीडम देते हैं, और बच्चों को फ्रीडम देते हैं, फिर क्या करते हैं, बच्चे जो है ना, वो इन्वायरमेंट से सीखते हैं, ठीक है। उसको हम नहीं बताते कि आपने ऐसा सीखना है, वैसा सीखना है, आपने ये करना है, वो करना है, बल्कि बच्चों को हम खुले छोड़ देते हैं, और वो जो है ना, एनवायरनमेंट को देखते हैं, और जो गाइडेंस वगैरह उसके होते हैं, तो वहाँ से वो क्या होते हैं, वहाँ से वो सीखते हैं। तो इस दौरान हम कहते हैं कि लेजिस फेरी हो गए, ठीक है, यानी ये स्टेज जो है ना, ये हमारे साथ लेजिस फेरी होती है। चिल्ड्रन लिफ्ट टू एक्सप्लोर वैल्यू ऑन दियर ओन, ठीक है। चिल्ड्रन जो है ना, उसको हम ऐसे खुले छोड़ देते हैं, ऐसे मतलब फ्रीडम उसको दे देते हैं, ताकि वो खुद बहुत जो है ना, वैल्यू सीखे, ठीक है। लिटिल और नो गाइडेंस, उसको हम गाइडेंस वगैरह या तो थोड़ा सा दे देते हैं, या बल्कि बिल्कुल भी गाइडेंस वगैरह नहीं दे देते। तो जब बच्चों को हम खुला छोड़ देते हैं, फ्रीडम उसे दे देते हैं, और वो जो है ना, इन्वायरमेंट से सीखते हैं, जबकि उसके हम कोई भी गाइडेंस नहीं देते, तो उस दौरान लेजी स्पेरी हो गए, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू ट्रांसमिशन होती है, जबकि हमारे साथ जो इस
इससे ये जो रिवॉर्डिंग एंड पनिशमेंट से इससे पहले इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस। रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस में ऐसा होता है कि बच्चों को हम फ्रीडम देते हैं लेकिन उसको हम क्या करते हैं, उस फ्रीडम के साथ साथ उसको हम गाइड भी दे देते हैं। ठीक है, बच्चों को हम क्या करते हैं, गाइड भी करते हैं। जब बच्चों को हम गाइड करते हैं तो फिर उसके बाद हम रिजल्ट को देखते हैं और उस रिजल्ट के साथ हमारे साथ क्या आती है, उसकी जो वैल्यू ट्रांसमिशन आती है, तो उसको हम रिस्पॉन्सिबल चॉइस कहते हैं। ठीक है, रिवॉर्डिंग एंड पनिशिंग। रिवॉर्डिंग एंड पनिशिंग में क्या लिखा है कि अगर बच्चे ने गलत वैल्यू क्या किया, डिटेक्ट किया या गलत वैल्यू ले लिया, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, बच्चों को पनिश देते हैं। ठीक है, अगर बच्चों ने सही वैल्यू दे दिया, ले लिया और सही वैल्यू को क्या किया, अपने आप में ला लिया, तो उस दौरान हम बच्चों को क्या करते हैं, उसको रिवॉर्ड देते हैं। इस तरीके से उसकी वैल्यू की जितनी भी ट्रांसमिशन है वो जल्दी से हो जाती है। चिल्ड्रन रिवॉर्डेड फॉर वैल्यू हेल्प बाय पेरेंट्स। ठीक है, जो पेरेंट्स से जितनी भी अच्छी क्वालिटीज जो है ना वो उसने ले लिए, तो उस दौरान चिल्ड्रन को हम रिवॉर्ड देते हैं। एंड पनिश्ड फॉर डीमोनिस्ट्रेटिंग अनएक्सेप्टेबल वैल्यूज, और जितनी भी अनएक्सेप्टेबल वैल्यूज होते हैं तो उसके लिए हम उसको फिर पनिशमेंट देते हैं। ठीक है, यानी उसको डांटते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबल चॉइसिस इनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर कम्पीटिंग। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, बच्चों को हम फ्रीडम दे देते हैं और उसे कहते हैं कि आपने अब क्या करना है, अपने आप में वैल्यूज लाने हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको हम सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, उसको हम गाइडेंस भी दे देते हैं एंड उसको हम ऑफर भी देते हैं, मतलब उसको हम गाइडेंस की ऑफर देते हैं। ठीक है, यानी उसको हम फर्दर सपोर्ट कर देते हैं और उसके साथ साथ उसमें क्या आती है, जितनी भी वैल्यू ट्रांसमिशन हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं थ्योरीज ऑफ वैल्यू क्लेरिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम थ्योरी ऑफ वैल्यू क्लेरिफिकेशन इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर हम इसकी वैल्यूज, इसकी थ्योरीज की अगर हम बात करें, तो इसकी थ्योरीज जो है ना वो हमारे साथ जो रैथ एंड हेरमैन एंड सेमन था, उसने प्रपोज किया था 1996 में। ठीक है, और उसने बिल्कुल क्लेरिफाई किया था वैल्यू की, क्लेरिफिकेशन किया था कुछ थ्योरीज के जरिए से। तो उस थ्योरी में हमारे साथ फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट पॉइंट थी चूजिंग। चूजिंग का क्या मतलब है, यानी चूजिंग कॉग्निटिव का मतलब है मेंटली। ठीक है, बच्चे को हम फ्रीली एनवायरनमेंट दे देते हैं और वो जो है ना वो अपने लिए अपने मेंटल स्टेटस को यूज़ करते हैं, अपने दिमाग को यूज़ करके वो अपने लिए केयरफुल वे जो है ना उसको अख्तियार कर देती है और अपने लिए केयरफुली वैल्यू जो है ना उसको सेलेक्ट कर देती है। चूजिंग फ्रीली फॉर अल्टरनेटिव After careful consideration of the consequence of each alternative। ठीक है, वही बात हो गया। फिर हमारे साथ आते हैं फ्राइजिंग। फ्राइजिंग का मतलब इफेक्टिव। फ्राइजिंग किस तरह से इन्वॉल्व फ्राइड हैप्पीनेस एंड पब्लिक एफर्मेशन। ठीक है, अगर जो जिसने अपने लिए वैल्यू को खुद चूज़ किया, ठीक है, किसी मतलब फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आता है और उसको हम डॉक्टर के लिस्ट दिखाते हैं, तो वो अपने लिए खुद ही एक डॉक्टर को सेलेक्ट करता है। जब वो उससे क्या करेगा, उससे जब वो अपना मतलब ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है, तो उससे क्या मिलेगी, उसे हैप्पीनेस मिलेगी, उसे फ्राइड मिलेगी। किस तरह से, यानी वो कहेगा कि मैंने अपनी चॉइस से अपने डॉक्टर को सेलेक्ट किया, अपने ट्रीटमेंट को सेलेक्ट किया और अपने लिए अब मैं खुश हूँ, अपने ट्रीटमेंट के बेस पे मैं अब खुश हूँ। ठीक है, तो ये हमारे साथ फ्राइजिंग पे जाता है। फिर उसके बाद एक्टिंग। एक्टिंग में क्या होता है, वो अपने बिहेवियर को इस तरह से शो करती है कि मतलब वो खुश है। ठीक है, कंबाइनिंग चॉइस इन टू वंस बिहेवियर दैट कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली ऑन द वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे साथ उसकी साइकोमोटर या एक्टिंग हो गया। ठीक है, उसकी जो बिहेवियर होती है ना, वो जो बिहेवियर शो करती है, तो वो हमारे साथ एक्टिंग्स आती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वैल्यू। अब टाइप्स ऑफ वैल्यू में क्या होती है, यानी वैल्यू के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं टाइप्स ऑफ वैल्यू की तरफ। टाइप्स ऑफ वैल्यू जो है ना, ये हमारे साथ ब्रॉडली इसकी क्लासिफिकेशन जो है ना वो थ्री टाइप्स में हो गई है। ठीक है, सॉरी टू टाइप्स में हो गई है। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू जो है ना वो टू टाइप्स में हो गई है। एक हमारे साथ होता है इंडिविजुअल वैल्यू और एक होता है कलेक्टिव वैल्यू। ठीक है, यानी इंडिविजुअल वैल्यू वो होती है जो अपने आप के लिए, ह्यूमन पर्सनैलिटी इंडिविजुअल जो अपने लिए क्या करते हैं, जो अपने लिए उसूल बनाते हैं, जो अपने लिए वैल्यू रखते हैं, जो उसकी पर्सनल, जो उसकी ह्यूमन पर्सनैलिटी प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, जो इसकी अपनी ह्यूमिनिटी, लॉयलिटी एंड हॉनर होती है, अपनी जो वक़ार होती है, अपनी जो रिस्पेक्ट होती है उसके एक इंसान की। ठीक है, तो उसको हम इंडिविजुअल वैल्यू कहते हैं। एक इंसान की पर्सनालिटी की जितनी भी हमारे साथ जो क्वालिटीज़ होते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ होते हैं, तो उसको हम इंडिविजुअली वैल्यूज़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि दीज आर द वैल्यू विच आर रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी आर इंडिविजुअल नॉर्म्स
नर्म्स मतलब कि उसूल, ठीक है, नर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी सच इज हॉनेस्टी, लॉयल्टी एंड हॉनर, ठीक है, एक इंसान की अपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, जो अपनी जो प्रोटेक्शन एंड रिकॉग्निशन के लिए अपने जो उसूल बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उसकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर हमारे साथ कलेक्टिव वैल्यूज़ आते हैं, तो कलेक्टिव वैल्यूज़ जो है ना, ये एक्चुअली सोसाइटी की, फैमिली की, या जो हमारे साथ एक ग्रुप होती है, कम्युनिटी होती है, तो उसकी वैल्यू जो है ना, वो हमारे साथ कलेक्टिव वैल्यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वैल्यू कनेक्ट with the solidarity of the community are collective norms of equity, justice, solidarity, ठीक है, इसी तरह से social blessedness and are known as collective value, ठीक है। हमारे साथ जो society होती है, जो community होती है, उसकी जो equally जो usuls होते हैं, collectively जो usuls होते हैं, जैसे कि हमारे साथ equality हो गई, ठीक है, equity हो गई, justice हो गई, इसी तरह से respect वगैरह हो गया, तो ये सब जो है ना, ये हमारे साथ collective values में आते हैं, ठीक है। जब हमारे society के जो usuls होते हैं, उसको हम follow करते हैं, तो ये हमारे साथ collective value यूज़ में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, अब हमारे साथ जो ब्रॉडली उसकी क्लासिफिकेशन हो गई थी, तो वो दो क्लासेज में हो गई थी, ठीक है। अब हमारे साथ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में उसकी फर्दर टू टाइप्स में उसकी क्लासिफिकेशन हो गई है, जो कि हमारे साथ एक होती है रिलेशनशिप वैल्यू और दूसरी होती है सोसाइटल वैल्यू, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप वैल्यू होती है, तो वो क्या होती है कि जब हम रिलेशनशिप को, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गए, ठीक है, इस तरह से जो रिलेटिव्स वगैरह हो गए, जो सिबलिंग्स हो गए, उसको हम कितनी वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है, थीके? तो हमारी लाइफ में उसके लिए कितनी वैल्यूज़ होती है, जब उसको हम रिलेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि रिलेशनशिप वैल्यू रिफ्लेक्ट हाउ यू रिलेट टू अदर पीपल, ठीक है, किस तरह से आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, जैसे कि आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं, ठीक है, किस तरह से, यानी फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, कुलीग्स हो गए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सब हमारे साथ रिलेशनशिप वैल्यूज़ में आते हैं, और ये हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे इसकी डिविजन हो गई है, ठीक है। दूसरा हमारे साथ आते हैं कि सोसाइटल वैल्यू, सोसाइटल यानी सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके ऑर्गेनाइजेशन में या सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं, तो उस वहाँ पे आपकी क्या वैल्यू है और आप किस तरह से वैल्यू देते हैं लोगों को, सोसाइटल को, आपने किस तरह से रिफ्लेक्ट किया है वैल्यू का, तो उसको हम कहते हैं सोसाइटल वैल्यू, ठीक है। सोसाइटल वैल्यू रिफ्लेक्ट हाउ द इंडिविजुअल आर द ऑर्गेनाइजेशन रिलेट्स टू सोसाइटी, ठीक है, किस तरह से एक इंसान या किस तरह से सोसाइटल वैल्यू जो है ना, वो किस तरह से वहाँ पे उस सोसाइटी में किस तरह से फॉलो होती है, या किस तरह से उसको हम रिलेट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सोसाइटल। स्ट्रेंड्स थर्ड वन जो है ना, वो हमारे साथ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर वैल्यू है। नेचर वैल्यू जो है ना, उसमें हमारे साथ पर्सनल वैल्यू आती है, इंसान की अपनी जो वैल्यू होती है, ठीक है, इस तरह से फैमिली वैल्यू आते हैं कि उसके फैमिली में जो माँ बाप, बहन भाई वगैरह है, उसकी क्या वैल्यूज़ है, ठीक है, एंड सोशल कल्चर वैल्यू, ठीक है, कल्चर एंड सोसाइटी की जितनी वैल्यूज़ है, तो उसमें हमारे साथ सोशल कल्चर वैल्यू में आते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि पर्सनल वैल्यू दिस आर द वैल्यू एंडोर्स्ड बाई एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी एक इंसान की पर्सनली जो वैल्यू होती है, तो उसको हम पर्सनल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ फैमिली वैल्यू आते हैं, तो फैमिली वैल्यू आर द प्रिंसिपल वैल्यू इन द फैमिली, ठीक है, किस तरह से आप अपने फैमिली को, किस रूल्स के तरीके से अपने वैल्यूज़ को जो है ना, वो फैमिली पर अप्लाई करते हैं, उसको रिलेट करते हैं, मे बी गुड और बैड, ठीक है, चाहे वो गुड हो या बैड हो, तो उसको हम कहते हैं फैमिली वैल्यू। आप अपने माँ बाप को, आप अपने बहन भाइयों को, आप अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हो, उसको किस तरह से वैल्यू रिलेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फैमिली वैल्यूज, ठीक है। फिर हमारे साथ आते हैं सोशल कल्चर वैल्यू, तो कल्चर वैल्यू आर सेंटर्ड और व्हाट अ कल्चर बिलीव इन फेयर और जस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि जिस तरह से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है कि कल्चर वैल्यू हमारे साथ जो है ना, वो गाय का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था, ठीक है, वहाँ वो आप ले सकते हैं कि जो गाय होती है, उसको हम क्या, उसको हम मतलब ये वैल्यू देते हैं कि उससे हम गोश्त जो है ना, उसको आहस कर सकते हैं, और दूसरा ये कि हमारे साथ जो दूध होते हैं, उसको हम आहस करते हैं। जबकि अगर आप दूसरे कल्चर के लोगों को देख ले, तो कोई उसको माँ समझते हैं, तो कोई क्या, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होती है, कल्चर वैल्यू हो गए। दीज आर द फ्रीविलिंग वैल्यू ऑफ द सोसाइटी विच चेंज विद टाइम एंड आइदर कंसाइड्स आर नॉट बी आर नॉट विद द फैमिली और पर्सनल वैल्यू, ठीक है। ये हमारे साथ क्या होती है, ये जो सोशल एंड कल्चर वैल्यू होते हैं, तो ये टाइम के साथ साथ चेंज भी हो जाती है, ठीक है। आपकी जो पर्सनल वैल्यू हो गई, आपकी जो फैमिली वैल्यू हो गई, तो उस पर डिपेंड्स करता है कि आपकी वैल्यू जो है ना, वो कहाँ तक पहुँच जाती है।
अच्छा, अब हमारे साथ आते हैं फोर्थ वन है मटेरियल वैल्यू। आप कौन से मटेरियल्स को, ज़्यादातर लोग होते हैं जो कि मटेरियलिस्टिक होते हैं, मटेरियल्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, किस तरह से, यानी जो फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, ठीक है, इसी तरह से ज़्यादातर लड़कियाँ जो है ना वो मेकअप शेकअप को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ जो लड़के होते हैं वो किस चीज़ को, वो ज़्यादातर जो मतलब हेयर स्टाइल वगैरह को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो ये सब हमारे साथ मटेरियल वैल्यूज़ आते हैं। दीज वैल्यूज़ अलाउ एन इंडिविजुअल to survive and are related to the basic needs of human being. ठीक है, इसमें हमारे साथ जो basic needs of human आते हैं ना, human की basic needs जो होते हैं उसमें, जैसे कि food हो गया, clothing हो गया, and protection from the environment हो गया, ये सब जो है ना इसको जब आप value देते हैं तो ये सब हमारे साथ material value में आते हैं। spiritual value यानी जो आपके मजहब होते हैं, ठीक है, जो religion होते हैं उसको आप कितना value देते हैं, तो ये हमारे साथ spiritual value में आते हैं। अच्छा, अब हमारे साथ प्रोफेशनल वैल्यूज़ आते हैं। प्रोफेशनल वैल्यूज़ जो है ना, जैसे कि आप लोग अगर नर्सिंग को देख ले तो नर्सिंग में हमारे साथ जो प्रोफेशनल वैल्यू है वो बिल्कुल क्लियर कट हमारे जो करिकुलम है उसमें दिए गए हैं, ठीक है, कि एक नर्स जो है ना वो हमारे साथ अल्ट्रोइज्म होगी, ठीक है, यानी अपने मतलब वो ऐसी होती है कि वो अपने आप को भूल जाती है और दूसरे के लिए केयर करती है, ठीक है, मतलब जब वो दूसरों की केयर करती है तो उसे अपने ख्याल नहीं रहता, ठीक है, वो दूसरों का केयर करती है। ऑटोनॉमी, खुद मुख्तियार होती है, ठीक है, किस तरह खुद मुख्तार यानी वो अपना फैसला खुद ले सकती है, ठीक है, एक इंसान को जिस फैसले में उसको क्या हो, उस पेशेंट को या उस क्लाइंट को अगर मतलब उसको फ़ायदा हो तो वो उस दौरान डायरेक्ट फैसला ले सकती है, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी का क्या मतलब है, यानी ह्यूमन डिग्निटी का मतलब ये है कि वो क्या होगी, वो बवकार होगी, ठीक है, यानी वो रिस्पेक्ट देगी दूसरों को, ठीक है, पॉपुलेशन को, अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को क्या देती है, रिस्पेक्ट देती है, वक़ार देती है। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, वो दयानतदार होगी, एंड इसी तरह से सोशल जस्टिस, तो वो क्या होगी, वो जस्टिस करेगी, हमेशा इक्विलिटी करेगी, इक्विटी को फॉलो करेगी, ठीक है, जिसको ज़्यादा नीड होगी इलाज की तो उसको ज़्यादा नीड, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है वही बातें हैं, आप लोग खुद रीड कर सकते हैं, अगर इसमें कोई क्वेश्चन होता आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में बता दें। इम्पॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज, इम्पॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज़ जो है ना, अब वैल्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, या उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो इंटीग्रेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ मैन बेसिक इम्पल्सिस एंड डिज़ायर्स इन दर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट मैनर अप्रोप्रिएट फॉर हिज लिविंग, ठीक है, बताया गया है कि क्या होता है, एक इंसान को उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए जितने भी हमारे साथ रूल्स होते हैं, जितने भी उसकी रेगुलेशंस होती हैं, जितने भी उसकी अखलाकियात मैनर्स वगैरह होते हैं, तो उसको क्या, उसको फुलफिलमेंट उसको देना चाहिए, ताकि वो अपने ही वैल्यू जो है ना वो सोसाइटी में डेवलप कर सके, ठीक है, वो जो है ना वो क्या कर सके, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, दे वेल्ट ऑफ उसकी तरीके जीने के तरीके को क्या करना है, वैल्यू देना है, ठीक है, उस पर हंसना वगैरह नहीं है बल्कि उसको वैल्यू देना है, तो ये हमारे साथ एक इंपॉर्टेंस हो गई। दूसरा क्या है कि दे बिल्ड टू अप सोसाइटी जो है ना इसके जरिए से वैल्यू के जरिए से बिल्ड अप करेगी, ठीक है, इसके जरिए से सोसाइटी में इतफाक वगैरह जो है ना वो पैदा हो जाती है, ठीक है, इंटीग्रेट सोशल रिलेशनशिप, इसके जरिए से रिलेशनशिप जो है ना मेंबर में सोसाइटीज में बढ़ जाती है। वैल्यूज आर द इफेक्टिव कल्चर एलिमेंट्स, वैल्यू जो है ना ये हमारे साथ इफेक्टिव कल्चर एलिमेंट, हर एक इंसान के हर एक कल्चर को क्या देना है, आपने उसको वैल्यू देना है, ठीक है, उसको वक़ार देना है, उसको इज्जत देना है, उसको वैल्यू देना है, उसको रिस्पेक्ट देना है, उसकी फीलिंग्स को समझना है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे साथ जो कम्युनिटी होगी, जो कम्युनिटी के मेंबर होगी वो क्या होगी, वो होल टुगेदर होगी, एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रहेगी, ठीक है। इसी तरह से दे इन्फ्लुएंस पीपल बिहेवियर एंड सर्व एज क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग द एक्शन ऑफ अदर, ठीक है, ये क्या कर देती है, अगर आप जो है ना आप हमारे साथ दे इन्फ्लुएंस पीपल बिहेवियर, ये हमारे साथ जो पीपल के बिहेवियर्स होती है उसमें इन्फ्लुएंस ही लाती है, ठीक है, उसके बिहेवियर को, उसके एक्शन को चेंज कर देती है, किस तरह से, यानी अगर आप एक गलत इंसान है तो आप जो है ना सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो अगर वो सोसाइटी अच्छी है तो आप जो है ना आप उससे सीखेंगे कि ये कितनी अच्छी सोसाइटी है, तो आप इंसान जो है ना उस बिहेवियर की तरफ क्या करता है, उसकी तरफ अपने आप को ले जाता है, ठीक है, वो दोबारा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है, ठीक है, तो सोसाइटी और वैल्यू जो है ना इतना डिफेंड करती है इंसान के बिहेवियर पे।
दे हेल्प इन क्रिएटिंग नॉर्म्स टू गाइड डे टू डे बिहेवियर. ठीक है, ये हमारे साथ एक उसूल बनाती है किस चीज़ के लिए कि किस तरह से अपने डे टू डे बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं. ठीक है, अपने बिहेवियर को किस तरह से अच्छा करना है, अच्छे बनाने हैं. दे आर इम्पॉर्टेंस एंड इनडिपेंडेंट ऑफ द सर्कमस्टेंसेज. फॉर एग्जाम्पल, इवन थ्रू एफ यू मे बी अनफेयर. ये जो हमारे साथ वैल्यू होती है तो ये इनडिपेंडेंट होती है, ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि अगर आप जो है ना आप एक अनफेयर इंसान है तो आपकी वैल्यू नहीं होगी, या अगर आप फेयर है तो आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी. नहीं, बल्कि अगर आप अनफेयर है या फेयर है तो आपकी वैल्यू होगी. ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू होगी, चाहे वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, लेकिन वैल्यू होगी. इन एन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू सर्व इज़ अ फ्रेम वर्क फॉर द बिहेवियर ऑफ इट्स मेम्बर. ठीक है, बताया गया है कि क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ एक इस्लामिक सोसाइटी है. ठीक है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर जितनी लड़कियाँ होती है तो एक लड़की ऐसे होती है कि वो ज़्यादा फर्दा करती है. ठीक है, वो अपने अपने फर्दे की ज़्यादा ख्याल रखती है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है. ठीक है, उस हर इंसान उसको वैल्यू देती है. तो जितना जितने लोग होते हैं जो कि ज़्यादा फर्दे करते हैं तो उसको ज़्यादा वैल्यू मिलती है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन पर इस तरह से वैल्यू की एक या होती है इंपॉर्टेंस होती है. The value are important because they help us to grow and develop. ठीक है, वैल्यू जो है ना वो हमारे ग्रोइंग के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं. अब हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक आता है वैल्यू कन्फ्लिक्ट. स्टूडेंट्स, एक्चुअली कन्फ्लिक्ट जो है ना, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया कि कन्फ्लिक्ट हमारे साथ एक सीरियस इश्यूज होते हैं जिसमें डिसएग्रीमेंट होती है. ठीक है, दो इंसान जो है ना वो एक दूसरे के साथ एग्री नहीं हो जाते. तो वैल्यू कन्फ्लिक्ट अब क्या होगी, ऐसा होता है कि ग्रुप मेंबर्स होते हैं. ठीक है, और उस ग्रुप मेंबर जो है ना वो बहुत सारे वैल्यूज़ को लाते हैं. ठीक है, और वो अपने वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है. एक दूसरे एक जो है ना वो दूसरे इंसान की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, दूसरा जो है ना वो तीसरे के इंसान की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता. तो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, जो एक दूसरे की बात को नहीं मानता, एक दूसरे के बात को एग्री उसके साथ एग्री नहीं हो जाते. ठीक है, डिसएग्री होते हैं, अनएक्सेप्टेबल होती है उसके लिए एक दूसरे के वैल्यू को फॉलो करना. ठीक है, तो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं वैल्यू कन्फ्लिक्ट. फिर हमारे साथ अगर वैल्यू कन्फ्लिक्ट जो है ना वो किस वजह से क्रिएट हो जाती है या कास हो जाती है. ठीक है, तो सोसाइटी में ज़्यादातर जो वैल्यू कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है तो वो डिफरेंट वैल्यू कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट. ठीक है, हर इंसान की अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, तो उस डिफरेंट वैल्यू की वजह से हमारे साथ कन्फ्लिक्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाती है. ठीक है, यानी एक जो है ना अपनी वैल्यू को फॉलो करता है, दूसरी जो है ना वो उसके वैल्यू को डिसएग्री कर देती है, तो इस वजह से हमारे साथ कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है. दूसरा हमारा बताया है कि मेकिंग अजम्पशन. अजम्पशन यानी इसको कोई जो है ना उसको ट्रू मानते हैं, कोई जो है ना उसको गलत मानते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमारे साथ क्या होते हैं, उस अजम्पशन की वजह से भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है. डिफरेंसेस इन द वे यू वर ब्रॉड ऑफ कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट. ठीक है, और जब आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो एक जो है ना वो एक तरीके से रह रहा है, दूसरा जो है ना वो दूसरे तरीके से. यानी अगर आप एग्जांपल ले लें कि सोसाइटी में एक जो है ना एक हमारे साथ मौलवी साहब है और दूसरा जो है ना वो क्या है, वो गाना बजाने वाला लोग होते हैं. ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान क्या होगी, इन दोनों के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, तो ये हमारे साथ इसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है. डिफरिंग एक्सपेक्टेशन कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट. जब आप एक इंसान से डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फ्लिक्टेशन एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ठीक है, और वो उस एक्सपेक्टेशन को फॉलो नहीं करते, आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये मेरी जो मतलब फॉर एग्जांपल आप एक मशवरा देते हैं, ठीक है, और वो आप कहते हैं कि ये उस एडवाइस को क्या करेगी, उसको फॉलो करेगी. ठीक है, जबकि वो फॉलो नहीं करती, तो आपने एक्सपेक्टेशन रखा था उस इंसान से, जबकि वो उसको क्या करती है, उसको फॉलो नहीं करती, तो उस दौरान आपके आप और उस इंसान के बीच में एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है. ठीक है, नॉलेज एंड एबिलिटी टू deal with conflict can result in conflict. ठीक है, बताया गया है कि क्या होता है कि knowledge and ability to deal with conflict. जब आप knowledge and ability के साथ conflict को deal करते हैं तो ये हमारे साथ एक conflict result आ जाता है, यानी एक बहुत serious issue या एक बहुत serious conflict या बहुत serious जो मतलब disagreement है वो हमारे साथ results में आ जाते हैं. क्योंकि हर इंसान के अपने अपनी वैल्यूज़ होते हैं, चेंज होती है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, दूसरे के वैल्यू को आपने खराब नहीं करना है, अपने दूसरे के वैल्यू में उंगली नहीं डालनी. ठीक है, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. अब हम कन्फ्लिक्ट को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज कंसेप्चुअल एज द मेथड इन प्रोसेस इन्वॉल्व एंड फैसिलिटेटिंग द पीसफुल एंडिंग ऑफ कन्फ्लिक्ट. ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक ऐसे तरीके से कन्फ्लिक्ट को एक ऐसे प्रोसेस के साथ सॉल्व करना है ताकि उसके एंडिंग जो है ना वो पीसफुल हो. ठीक है, दुश्मनी की तरफ ना ले चले बल्कि एक दोस्ती के साथ साइड पे ले चले. ठीक है, इट इज़ अ वे फॉर टू और मोर पार्टीज टू फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन टू अ डिसएग्रीमेंट
among them. ठीक है, क्या करता है कि टू बॉडीज होते हैं उसके दरमियान जो है ना हमारे साथ एक तीसरा बंदा आ जाता है और उसके सोल्यूशन इसके प्रॉब्लम को या उसके डिसएग्रीमेंट को सॉल्व कर देता है, ठीक है, एक पीसफुल तरीके से. द डिसएग्रीमेंट मे बी पर्सनल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और इमोशनल. ठीक है, ये डिसएग्रीमेंट हमारे साथ पर्सनल भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है एंड इमोशनल भी हो सकती है. द कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी इजिली रिजॉल्व विद बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ बिलीफ बेस्ड एंड नॉट बेस्ड फैक्ट बेस्ड. ठीक है, कन्फ्लिक्ट जो है ना वो हमारे साथ अगर हम फैक्ट बेस्ड पे कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहे तो वो हमारे साथ कभी भी सॉल्व नहीं होगी, बल्कि बिलीव बेस्ट पे हमारे साथ कन्फ्लिक्ट जो है ना वो सॉल्व हो सकती है. किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे साथ एक गांव है, ठीक है, और गांव में ज़्यादातर लोग जो है ना वो पुराने घरों को ज़्यादा अहमियत देते हैं. किस तरह से, मतलब वो लोग कहते हैं कि ये घर जो है ना ये मेरे परदादा ने बनाया था, ठीक है, तो इस वजह से मैं इस घर को नहीं तोड़ूंगा, इस घर को मैं क्या नहीं करूँगा, इसको मैं एडवांस नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे दादा या परदादा के हाथ का है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ जो बिलीफ होता है वो उस बिलीफ होता है उस की तरफ, ठीक है, तो इस वजह से हम फैक्ट की तरफ जो है ना इसको सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि बिलीव के जरिए से उसको सॉल्व करेंगे और हम कहेंगे कि हैरी आप जो है ना इसके साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें और ये जो घर है इसको इसी तरह से रहने दे. ठीक है, तो इसके जरिए से हमारे साथ एक पीसफुल सोल्यूशन आ जाता है कन्फ्लिक्ट का. अच्छा स्टूडेंट्स, फिर लिखा है कि कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्टेजेस. ठीक है, ये हमारे साथ कुछ स्टेजेस के जरिए से सॉल्व हो जाता है. पहले हम क्या करते हैं, पहले हम तीसरे बंदे को वो कन्फ्लिक्ट जो है ना वो बयान करते हैं किस किस वजह से हमारे दरमियान जो डिसएग्रीमेंट है वो आ गया है. ठीक है, फिर उस वो जो तीसरा बंदा होता है उस कन्फ्लिक्ट को क्या करता है, उसको एग्जामाइन करते हैं. ठीक है, उसके बाद उसके लिए एक सोल्यूशन ढूंढते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करें एक पीसफुल तरीके से. ठीक है, फिर उस कन्फ्लिक्ट की सोल्यूशन जो है ना उसमें इवाल्वेट कर देते हैं, मतलब उसे बताता है इस तरीके से है रिसॉल्व करें. ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि लोग जो है ना उसको एक्सेप्ट करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि लोग जो है ना उसको क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि ये कभी सॉल्व ही नहीं होता, तो इस वजह से ये खत्म हो जाती है, एग्जिस्ट हो जाती है. ठीक है, वे टू रिजॉल्व अ कन्फ्लिक्ट. अब हमारे साथ कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से वेज है जिसके ज़रिए से हम कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं. बी काम, आपने काम रहना है, सुकून में रहना है. ठीक है, आपने गुस्सा नहीं करना है, जल्दी गुस्से में नहीं आना है, तो इसके ज़रिए से आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आपने दूसरों के फायदे के बारे में सोचना है, आप किसी को नुकसान नहीं देखने, बेनिफिशेंट मतलब नुकसान नहीं देना है, तकलीफ नहीं देना है. डिस्कस और डिबेट, आपने क्या करना है उस कन्फ्लिक्ट को, उसके फायदों को, उसके जितने भी नुकसानात वगैरह है उसको क्या करना है, डिस्कस करना है या डिबेट करना है. ठीक है, ऑलवेज शो रिस्पेक्ट, आपने क्या करना है, हमेशा दोनों पार्टीज को रिस्पेक्ट देना है. ठीक है, एक्नॉलेज इमोशंस, आपने उसके इमोशंस को समझना है, उसके इमोशंस को फील करना है. ठीक है, चेंज द वर्डिंग, चेंज द वर्डिंग का क्या मतलब है, ये नहीं, ये जो इमोशन की बात हो रही है ना, तो वही गाँव की एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है, कि वो जो है ना वो उस घर के साथ उसके इमोशन जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से उसके इमोशन को हम समझेंगे. ठीक है, उसके इमोशन को हम समझेंगे और फिर वर्डिंग के जरिए से उसकी जितनी भी मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको चेंज करेंगे. ठीक है, हम दूसरों को कहेंगे कि आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें इस इंसान के साथ, ताकि जो इमोशन इसके है वो क्या रहे, वो बरकरार रहे, क्योंकि वो अपने इमोशन के जरिए से क्या रहा है, जी रहा है. ठीक है, वो उसको कभी पैस ही नहीं कर सकता, तो इस वजह से आपने क्या करना है, कंप्रोमाइज़ करना है. ठीक है, सीख मीडिएशन, फिर उसके बाद क्या करना है, एक्सेप्ट द सॉल्यूशन, फिर अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है. ठीक है, एंड सॉरी सिचुएशन. ठीक है, एंड इफ ऑल एल्स फेल, अगर ये सब जितने भी रिजोल्यूशन है ये जितनी भी क्वालिटी से अगर ये सब फेल हो गए, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वेट करना है, इसका अपना ही एक आंसर आ जाएगा, अपना ही एक सॉल्यूशन आ जाएगा. स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ एक केस आता है, केस एनालिसिस. केस एनालिसिस जो है ना ये किस तरह से होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक पेशेंट है और वो एड्स के साथ डायग्नोस हो गया है. ठीक है, और वो जो है ना यंग मैरिड मेल है. ठीक है, तो उस दौरान वो जो है ना वो एक नर्स को रिक्वेस्ट कर रही है कि आपने मेरे वाइफ को नहीं बताना है. ठीक है, आपने मेरी माँ को नहीं बताना है. तो आपने क्या करना है, आपने उसके द यंग मैन ऑफ एन एज 21-23 सफरिंग फ्रॉम मेटास्टेटिक कैंसर. अच्छा स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, आपने वो कह रहा है कि आपने मेरी माँ को नहीं बताना है. ठीक है, या मेरी वाइफ को नहीं बताना है, तो आपने क्या करना है, आपने उसके वाइफ को बताना है, क्योंकि ये आपकी क्या हो गई है, आपने उस दौरान सोसाइटी को या कम्युनिटी को या लोगों को इम्पोर्टेंस देना है. ठीक है, उसको वैल्यू देना है, क्योंकि ये एड्स जो है ना उसकी वाइफ को भी काज हो सकती है. ठीक है, तो इस वजह से आपने क्या करना है, आपने उसके वाइफ को इन्फॉर्म करना है कि आपने इससे अब दूर रहना है. ठीक है, क्योंकि ये जो है ना एड्स के साथ डायग्नोस हो गया है, तो इस दौरान
आपको भी ये लग सकती है, ठीक है. द यंग मैन ऑफ एन एज 23 सफरिंग फ्रॉम मेटास्टेटिक कैंसर. मेटास्टेटिक कैंसर कौन सा कैंसर होता है जो कि हमारे साथ बॉडी में फैलता है, ठीक है. एक पार्ट जो है ना वो उसकी वजह से दूसरे पार्ट भी खराब हो सकता है, इसी तरह से तीसरे पार्ट में भी ट्यूमर बन सकता है, ठीक है. मेटास्टेटिक यानी फैलता है बॉडी में, ठीक है. तो अगर हमारे साथ एक यंग एज मैन है, ठीक है, जो कि 23 ईयर का है, ठीक है, और वो जो है ना मेटास्टेटिक कैंसर के साथ डायग्नोस हो गया है और वो नर्स को और रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी माँ को नहीं बताना है, बाकी मैं अपना जितने भी प्रोसीजर जितना भी ट्रीटमेंट वगैरह है वो मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है. मैं यहाँ पे आऊँगा और अपना ट्रीटमेंट करूँगा, कीमियोथेरेपी वगैरह करूँगा. लेकिन आपने क्या करना है, आपने उसको माँ को बताना है. क्यों? क्योंकि वो जो है ना वो हमारे साथ कैंसर के साथ डायग्नोस हो गया है और उसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो पॉसिबल है, लेकिन अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सके टाइम के साथ साथ तो वो मर भी सकता है, ठीक है. तो उसकी माँ को कहना है कि अपने प्रिपेयर रहना है इन केस. अच्छा, अब एनालिसिस हम किस तरह से करेंगे. तो एनालिसिस हम इस तरीके से करेंगे कि इन द केस सेटेड अबव ऑफ यंग मैरिड मैन हु हैज़ एड्स, ठीक है. एक इंसान है जिसको वो यंग है और वो मैरिड हो गया है, उसकी मैरिज हो गई है, तो उस दौरान उसको एड्स जो है ना वो डायग्नोस हो गए हैं. टेलिंग द वाइफ वुड be far more advanced so she can be examined, ठीक है. तो आपने क्या करना है, आपने उसकी वाइफ को बताना है क्योंकि वो उसकी क्या करेगी, उसकी एग्जामिनेशन करेगी, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करेगी और उसकी ट्रीटमेंट करेंगे टाइम के साथ साथ. अंडरस्टैंड हस्बैंड इलनेस, वो अपने हस्बैंड के इलनेस को क्या करेंगी, उसकी अंडरस्टैंड, उसको अंडरस्टैंड करेगी, ठीक है. और दूसरा ये कि उसकी जो केयर है उसमें पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, और अपना भी हयार लगेगी. तो इस वजह से हमारे साथ जो सोसाइटी है वो सेफ रह सकती है, और दूसरा ये कि वो इंसान जो है ना वो थोड़ा अच्छी तरीके से ट्रीट भी हो सकता है, ठीक है. इन द केस ऑफ यंग मैन विद स्टैटिक स्टेट, ठीक है, एक पेशेंट है जो कि हमारे साथ यंग मैन है, ठीक है, और वो वही जो हमने बात की कि मेटास्टेटिक कैंसर के साथ आया है, ठीक है, वो डायग्नोस हो गए हैं और उसके माँ को हम क्यों बताएंगे ट्रुथ, क्योंकि यह उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है. किस तरह से, मतलब वो ज़्यादा तकलीफ से नहीं गुजरेगा. शी विल पार्टिसिपेट इन द ट्रीटमेंट प्लान, वो उसके ट्रीटमेंट प्लान में क्या होगी, उसके ट्रीटमेंट प्लान में वो पार्टिसिपेट करेंगी, हिस्सा लेंगी, ठीक है, एज वेल एज स्पिरिचुअल प्रिपरेशन ऑफ फॉर यंग मैन, ठीक है. और जितनी भी स्पिरिचुअल उसकी मजहबी प्रिपरेशन वगैरह है वो क्या करेगी, वो अपने वो माँ जो है ना वो उसके लिए दुआएं मांगेगी, ठीक है, इसी तरह से उसकी ट्रीटमेंट प्लान जो है ना वो करेगी, उसको फॉलो अप करेगी, ठीक है, हमेशा डॉक्टर के पास लाएगी, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये. तो आपने क्या करना है, उसकी माँ को भी बताना है और उसकी बीवी को भी इन्फॉर्म करना है, ताकि उसकी ट्रीटमेंट जो है ना उसको क्या करे, फर्दर कंटिन्यू रखा जाए, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है. उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. फर्दर अगर इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों को आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के